गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टीजीटी आई एम प्रोफेसर पुरी योर गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर वेलकम टू माई क्लास डी ट्रिपल एस बी टीजीटी इंग्लिश ट्वेंटी ट्वेंटी के क्वेश्चन पेपर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डी ट्रिपल एस का TGT English 2020 2018 का क्वेश्चन पेपर सो ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम लिटरेचर आल्सो मोर सो लेट्स नॉट कवर ऑल ऑफ़ देम टूडे कुछ थोड़ा हगे के लिए भी छोड़ देते हैं आज हम ट्वेंटी क्वेश्चन यहाँ से कवर करेंगे बिकॉज ऑफ कोर्स मैं आपको उस पर एक्सप्लेन भी देती हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती हूँ सो so, वो सब आज हम करेंगे यहाँ पर कवर ठीक है सो so, ये जनरल पेपर है पहले इसको हम लेटस पास इट ऑन एंड लेट्स पास ओवर दिस क्वेश्चन एंड लेट इस ट्राई टू कम टू द लिटरेचर सो हेयर वी हैव कम टू सेक्शन बी विच इज़ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन जीरो आई यू लेट्स बिगिन पहला सवाल आपके सामने लेडी ऑफ द लेक इज रिटन बाय सो लेडी ऑफ द लेक इज एक्चुअली अ स्कॉटिश माइथोलॉजिकल कैरेक्टर एंड इसके ऊपर लिखा था ध्यान रखना कहीं पे भी अगर स्कॉटिश माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल कोई भी अगर ऐसा वर्ड आ जाता है तो एक की एक छोटा सा ट्रिक बता देती हूँ आंसर वॉल्टर स्कॉट निकलेगा ठीक है वॉल्टर स्कॉट के नाम के पीछे स्कॉट आ रहा है सो ही इज़ अ फेमस स्कॉटिश राइटर इन्होंने स्कॉटिश बैलेट्स पे काम किया है स्कॉटिश माइथोलॉजी पे काम किया है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्होंने हिस्टोरिकल नॉवेल्स पे काम किया है ठीक है सो so, uh, ये ट्रिक आप लोग याद रखेंगे आगे के लिए इजी रहेगा इससे आपका अगले सवाल अगला जो सवाल है ये भी वॉल्टर स्कॉट के ही एक नॉवल से है द ओल्ड मॉर्टेलिटी उनका एक नॉवल है उसके कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है द राइट आंसर इज ऑप्शन ए लेडी मार्गरेट बेलेंटन इज द राइट आंसर ठीक है ये नॉवल भी किसका है सो वॉल्टर स्कॉट का क्लियर अगला सवाल है हमारा दूसरी तरफ आ जाओ यहाँ पे प्रमिथियस एंड बाउंड इज अ लिरिकल ड्रामा एंड इट इज अ वर्क बाय ऑथर आइडेंटिफाई करना है वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन रोमांटिक पीरियड से पी बी शैली यूजीसी नेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जहां पे इस वर्क की वन लाइन डिस्क्रिप्शन पूछी गई थी तो प्रमिथियस एंड बाउंड की इट इज अ लिरिकल ड्रामा इन फोर एक्ट्स लिरिकल ड्रामा इन फोर एक्ट्स रिटन बाय पी बी शैली ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंकिनस्टीन इज रिटन बाय ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2021 के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था मैरी शेली मैरी शेली द वाइफ ऑफ पीबी शेली ये उनका एक गॉथिक नॉवल है कौन सा नॉवल है गॉथिक नॉवल है 2021 वाले क्वेश्चन पेपर में विक्टर फ्रेंकिन के कैरेक्टर के ऊपर पूछा गया था तो अब आप मान के चलो कि रोमांटिक uh, एज बहुत इंपॉर्टेंट है डी ट्रिपल एस बी की नजर में साथ ही साथ रोमांटिक एज में आप देखेंगे ये नॉवल से क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आज का आप लोगों का काम क्या है वीकेंड आ गया है आज का आपका होमवर्क है कि घर जाके फ्रेंकिन स्टीन नॉवल की कंप्लीट समरी कवर करनी है ओके क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इतना टेक्स्ट दिख रहा है स्क्रीन पे नहीं दिखेगा थोड़ा सा इलार्ज करना पड़ेगा टेक्स्ट को हां जी चाइल्ड हैरल्स पिलग्रिमेज इज वन ऑफ द बेस्ट नोन वर्क्स ऑफ अगेन वेरी सिंपल डायरेक्ट रोमांटिकेट से क्वेश्चन है uh, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें आंसर इज लॉर्ड बायरिन लॉर्ड बायरन का फेमस वर्क है चाइल्ड हेरल्ड पिलग्रिमेज ठीक है दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है इसके टोटल जो फोर एक्ट्स हैं वो अलग अलग ईयर्स में पब्लिश हुए हैं टू टू एक्ट्स अलग अलग साल में तो वो आपको ईयर्स ऑफ पब्लिकेशन यहाँ से याद रखना है तीसरा आ, ये वर्क इतना फेमस हो गया था उनका कि ही वो उनको रातों रात सक्सेस मिल गई थी तो उनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है दैट आई वोक एंड फाउंड माई सेल्फ टू बी फेमस तो ये ये स्टेटमेंट उन्होंने किस वर्क की पब्लिकेशन के बाद दिया था इसी वर्क के पब्लिकेशन के बाद ओके ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस नेक्स्ट क्वेश्चन द नावल डैश फॉलोज द क्लासिकल ट्राई पार्ट एट स्ट्रक्चर एंड इंटाइटल्ड सोइंग रीपिंग एंड गार्नरिंग अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो इस वक्त मेरी क्लास का मेरे पेड़ बैच से है आपके पास मेरे पुराने नोट्स हैं तो आपको ध्यान होगा मैंने चार्ल्स टिकिन्स के नोट्स में आपको Uh, जिन जिन नॉवेल्स में उनके uh, चैप्टर्स किसी पर्टिकुलर टाइटल्स के अंडर चैप्टर्स या किसी हेडिंग के अंदर डिवाइडेड है मैंने वो सब मेरे नोट्स में प्रोवाइड किया हुआ है सो so, कोई मेरा पुराना स्टूडेंट है तो वो याद कर पाएगा द आंसर इज़ हार्ड टाइम्स हार्ड टाइम्स इट इज़ अट इज़ एन इंडस्ट्रियल क्रिटिक नॉवल इंडस्ट्रियल रियलिज्म का नावल है बाय चार्ल्स डिकिन्स और इसके अंदर जो पूरा हमारा प्लॉट है वो इन थ्री हेडिंग्स के अंदर डिवाइडेड है सोइंग रीपिंग एंड गानरिंग ंग ऑफ यंग गर्ल्स इन ऑलिवर ट्विस्ट ऑलिवर ट्विस्ट अनादर क्वेश्चन फ्रॉम चार्ल्स टिकिन्स उसमें फैजिन का कैरेक्टर है ही विज द बॉस ऑफ द क्रिमिनल गैंग ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स आप क्वेश्चन यहां से और बहुत सारे बन सकते हैं ऑलिवर ट्विस्ट के अंदर Uh, क्योंकि चार्ल्स डिकेंस के सभी नॉवेल्स किसी ना किसी सोशल इंस्टीट्यूशन का क्रिटिक बनते हैं तो यहाँ से के सवाल बन सकता है कि ये पर्टिकुलर नॉवेल किस सोशल इंस्टीट्यूशन का क्रिटिक है सो so, आंसर है वर्क हाउसेस का इंग्लिश वर्क हाउसेस का क्रिटिक इस नॉवेल में किया गया है इसके अंदर ओलिवर ट्विस्ट का कैरेक्टर जो है ये एक orphan कैरेक्टर है orphanages के बारे में भी इसमें मेंशनड में है तीसरा इसके अंदर चाइल्ड लेबर का के बारे में भी है बिकॉज ये सभी जो छोटे बच्चे हैं इनको एक पिक पॉकेट्स के गैंग में uh, इंक्लूड कर दिया जाता है तो चाइल्ड लेबर का थीम भी आ जाता है मिस्टर फैजन का कैरेक्टर का एक जुइस कैरेक्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखेंगे मिस्टर फैजन का कैरेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जुइश कैरेक्टर है इज आर क्लियर चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड Dickens के ऊपर 2021 में कम क्वेश्चंस आए लेकिन आप देखेंगे 2018 वाले पेपर में कई सारे क्वेश्चंस आए हैं। रोमांटिक तो पक्का पक्का भी आया है 2018 में भी आया है मेक मी लायर इवन एज दट इज माई लीव से लिए गए हैं आप लोग बताओ अगेन आई एम श्योर मैंने कभी ना कभी पढ़ाते हुए क्लास में कोर्ट जरूर मेंशन किया होगा कई बार किया होगा इनफैक्ट राइट आंसर इज पी बी Shelley की ओट टू Wind से ओट टू दैसविन रिटन बाय पी बी Shelley। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनाती हूँ मेक मी lyre। लायर इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन ग्रीक माइथोलॉजी अगर एक स्पीकर एक पोएट बोल रहा है विंड को कि मेक मी thy lyre। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी आइडेंटिफाई करके मुझे बता दो ये क्वेश्चन का जवाब भी दे दो इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है मेक मी दाय लायर i'll count three till five and i hope you answer by then one two three four and five the right answer is metaphor lyre is a musical instrument that creates music greek mythology made. सो so, अगर एक पोएट अपने आप को लायर बनाने को बोल रहा है मतलब जैसे कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक क्रिएट करता है सो so ये जो स्पीकर है वो चाहता है कि वो भी वेस्टविन का माउथ पीस बने उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बने तो उसके थ्रू जो है वेस्टविन अपना मैसेज कन्वे कर पाए राइट सो वॉट इफ माई लीव्स आर फॉलोइंग लाइक इट्स ओन अगेन यहाँ पे लीव्स का रेफरेंस भी मेटाफोरिकल ही है सो so, ये मेटाफोर का एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सुबह ही वेरी गुड ग्रेट नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज़ अ सटायर और वेरियस चर्चज बाई जॉनथन स्विफ्ट नाउ जॉनिथन स्विफ्ट को जनरली आप सभी uh, लोग जो हैं गालिवर्स ट्रेवल्स के लिए जानते होंगे अगेन गालिवर्स ट्रेवल्स या जॉनिथन स्विफ्ट को पढ़ना इंडिया के और किसी टी जी टी पी जी टी एग्जाम में सिलेबस में ये नहीं पूछे जाते हैं ये यू जी सी नेट में पूछे जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जोनथन स्विफ्ट ने एक बहुत ही फेमस रिलीजियस एलिगोरिकल वर्क लिखा था जिसका नाम था टेल ऑफ अ टब टेल ऑफ अ टब में वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड टू द करंट हिन्स हिस्स कंटेम्प्रेरी पीरियड वो जो जितने भी क्रिस्टानिटी के अंदर सेक्ट्स हैं रोमन कैथोलिक्स हैं प्रोटेस्टेंट्स हैं एंग्लिकन्स हैं प्रेस हैं वो इन सब का सेटाराइजेशन करेंगे इस पर्टिकुलर वर्क में तो एक सटारिकल वर्क है और ये एलिगोरी की एलेगरी के फॉर्म में लिखा गया है तो किसकी एलेगरी है रिलीजियस एगरी है क्यों क्योंकि चर्च का मैंशन है चर्च पर सेटायर है तो रिलीजियस एलेगरी है ये इंपॉर्टेंट है और किस मेजर एलिगोरिकल ऑब्जेक्ट को यूज किया गया है मतलब चर्च को रिप्रेजेंट करने के लिए किस किस एलिगरी को यूज किया गया है कोर्ट की एलिगरी को जिसमें वो दिखाते हैं कि एक फादर है वो फादर अपना कोर्ट अपने दो तीन बेटों के बीच में बांट देते हैं और जब एक बेटे से नहीं संभाला जाता तो वो कोट दूसरे के पास चला जाता है दूसरे से तीसरे के पास तो वो ऐसे ट्रांसफर होता रहता है तो इस ट्रांस इस ट्रांसफरेंस में वो कोट फट जाता है ख़राब हो जाता है अब वो कोट वैसा नहीं रहा जैसा वो पहले था सो so, इस कोट का मेटाफॉर यूज़ करके इस कोट की एलिगरी यूज़ करके वो ब्रिटिश चर्च और उसके वेरियस सेक्ट्स के ऊपर अपना सटायर प्रजेंट करेंगे अपना अटैक देंगे ठीक है सो so, ये इसका राइट आंसर बनेगा मैम आई क्रैक माइ टेट एग्जाम अरे वाह हाय गीत कौन सा टेट एग्जाम क्वालिफाई किया आपने प्लीज़ मुझे बताइए मैनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन हाँ जी वंडरफुल सो दिस इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट आ जाइए वेन आई कंसिडर हाउ माई इज स्पेंट इज वन ऑफ द बेस्ट नोन सोनेट्स ऑफ किसका सोनेट है ये द राइट आंसर इज जॉन मिल्टन जॉन मिल्टन आप सबको बताया बाई द एज ऑफ फोर्टी थ्री हीटली ब्लाइंड सो ही रोड दिस ब्लाइंडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड एंड लेटर ऑन एक फ्यूचर uh, एडिटर जब इस वर्क को पब्लिश कर रहे थे तो इन्होंने उसका टाइटल uh, ऑल्टरनेट कर दिया था टाइटल में शिफ्ट लाए थे अब इसका एक दूसरा ऑल्टरनेटिव टाइटल भी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है ऑन हिज ब्लाइंड ये मुझे याद भी आ रहा है कि ये um, आई एम नॉट रियली श्योर इटालियन फॉर्म में है या इंग्लिश फॉर्म में है पर ये आप पढ़ लेना आज प्लीज़ मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है या तो इटालियन फॉर्म का है या इंग्लिश का है किसका है मुझे ध्यान में नहीं है या आप एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए इसको लर्न कर सकते हैं डैश इज़ अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स टू लिटिल हाउस वाइफ्स सो ये मैं आपको बता देती हूँ दिस वॉज अ वर्क रिटन बाय जॉन रस्किन द वर्क इज़ कॉल्ड एथिक्स ऑफ द डस्ट अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स फॉर टू लिटिल हाउस वाइफ्स जॉन रस्किन ये विक्टोरियन इरा के एक फेमस एसाइस्ट हैं नॉन प्रोज राइटर नॉन फिक्शनल राइटर है और ये वर्क उनका है क्लियर इटालियन है पक्का ठीक है so है थैंक यू सो मच इटालियन क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर भी जॉन रस्किन ही है क्वेश्चन का नाम है कि सेवन लैम्स ऑफ आर्किटेक्चर इज रिटन बाय सो जॉन रस्किन एक बहुत ही फेमस एनवायरमेंटलिस्ट uh, थे इकोलॉजिस्ट थे आर्किटेक्ट थे आर्कियोलॉजिस्ट थे कंजर्वेशनिस्ट थे और राइटर्स है सेवन लैम्स ऑफ आर्किटेक्चर इज अ सेमिनल वर्क ऑन आर्किटेक्चर एंड इट्स फंडामेंटल्स एंड आज तक भी करंटली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के कारिकुल्स में इस बुक को एक स्टैंडर्ड फाउंडेशन बुक मान के पढ़ाया जाता है अगला सवाल इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डस डू दीज लाइन्स अपियर ब्लो ब्लो विंटर दिन दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैन इन ग्रेटिट्यूड इसके लिए एक और काम भी किया जैसे मेरे पेड क्लास के नोट्स में शेक्सपियर के किन किन प्लेय में कौन कौन से सॉन्ग हैं उसके छोटा सा मैंने लिस्ट बना के मेरे पेड क्लास के नोट्स में डाला भी हुआ है ताकि जितने भी सॉन्ग्स हैं शेक्सपियर के वो अलग से आप लर्न कर लो उनको तो उसमें भी ये मैं तो आप लोगों के लिए पेपर में आसान हो जाएगा आपको खुद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आप डायरेक्टली मेरे नोट्स में से आपको लिस्ट ही मिल जाएगी कि इस डिस्प्ले में ये वाले सॉन्ग्स आपको देखने को मिलेंगे अगला सवाल है वायोला इज रेक्ट इज शिप रेक्ट ऑन द कोस्ट ऑफ इलीरिया मैं इससे आगे ही नहीं बढ़ूंगी बिकॉज 2021 में अभी रिसेंटली परसों हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है डी ट्रिपल एस पी टी इंग्लिश 2021 का जहाँ पे आपको ध्यान होगा तो वायला के कैरेक्टर के बारे में हमने बात की थी कैन यू रिमेंबर व्हिच प्ले इज इट कैन यू रिमेंबर व्हिच प्ले इज इट वायला का कैरेक्टर शिप रेक्ट ऑन द कोस्ट ऑफ इलीरिया ऑप्शन डी वेरी गुड मित्रप्रिया ट्वेल्थ नाइट ट्वेल्थ नाइट में हमने वायला के कैरेक्टर को देखा था एंड uh, वो क्रॉस uh, ड्रेस कर लेती है किस कैरेक्टर में याद करो ये शिप रेक वर्ड से तुम्हें वायोला दिमाग में आ रहा है प्लीज़ रिमेंबर वायोला का कैरेक्टर शिप रेक होता है इन द ट्वेल्थ नाइट प्रोस्पेरो अपनी दो साल की बेटी मिरांडा के साथ शिप रेक होता है ऑन एन आइलैंड और उस आइलैंड का नेम भी मैंशन नहीं है माइंड यू मी सिर्फ शिपरेक वर्ड देख के आप फटाफट आंसर पर कंक्लूजन पर जंप नहीं कर सकते हो ये सिली मिस्टेक कर रहे हो आप पहली बात तो जो टेम्पेस्ट का आइलैंड है उसका उस आइलैंड का कोई नाम नहीं है दूसरी बात अपनी दो साल की बेटी मिराडा के साथ शिप्रैक होता है ठीक है सॉरी आई एम नॉट अबाउट मिरांडा की एज उस टाइम पे कुछ मंथ्स की थी, थी या इयर्स की थी सॉरी आई डोंट रिमेंबर आई माइट बी रॉन्ग इंट टॉक अबाउट दैट बट अपनी बेटी मिरांडा हु इन्फेंट चाइल्ड ठीक है सो प्रोस्पेरो का नाम आएगा शिप्रेक होने का यहाँ पे बायोला पे सो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट आइलैंड हियर अ डिफरेंट प्ले हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट इज़ अ फेमस टॉकउट कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर और वो सीजेरियो के कैरेक्टर में क्रॉस ड्रेस कर लेती है इसके भाई का नाम सेबास्टियन है वेरी गुड हु इज द डॉटर ऑफ शाइलॉक इन द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस अनदर वेरी फेमस रोमांटिक कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर इसमें जो जुश कैरेक्टर है शायलॉक उसकी डॉटर का नाम है जेसिका जेसिका लोरेंजो के साथ शी विल रन अवे शी विल विल इलोप इलोप जेसिका विद द कैरेक्टर ऑफ लोरेंजो इन द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस ओके नेम द थिएटर इन विच शेक्सपियर हैड शेयर्स अब दिस क्वेश्चन आई फाइंड द ऑप्शंस आर रॉन्ग इसके इसका मार्क्स सबको मिला होगा because the the theater in which shakespeare had uh, his shares was the globe constructed in the year 1599 1599 may shakespeare uh, ne um, he oversaw the creation of this construction of this theater or is थिएटर ग्रुप के um, लीडर भी वही थे लॉर्ड चेंबलिंस मैन के लेटर ऑन इट नेम टू किंग्स मैन तो वो यहीं पे परफॉर्मेंस करते थे अपनी और इसके शेयर्स थे उनके पास ऑप्शंस में कहीं पे भी है नहीं आंसर द यूनिवर्स एक्चुअली कोई uh, the, मुझे लगता है यहाँ गलती हुई है इस ऑप्शन में बिकॉज द यूनिवर्स नाम से कोई थिएटर था नहीं उस पीरियड में तो किसी से गलती हो गई है यहाँ पे <laughs> टाइपिंग एरर या कुछ मुझे नहीं पता बट एनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ आप लोग देख रहे हो ट्वेंटी 2018 ट्वेंटी एटीन वाले पेपर में भी शेक्सपियर से कितने सारे सवाल हैं एज से कितने सारे सवाल हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन में भी रोमांटिक एज से और शेक्सपियर से बहुत सारे क्वेश्चन थे अब देखो अगर रातों रात उन्होंने ट्रेंड बदलना है उसका हम कुछ नहीं कर सकते पेपर को अटैम्प्ट करने की टेक्निक क्या होती है कि जो पिछले एक दो सालों में ट्रेंड बना है हमें उस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए स्पेशली लेटेस्ट पेपर के ट्रेंड को जैसे 2021 का ट्रेंड हमारे लिए बहुत रेलिवेंट रहेगा लेकिन अगर रातों रात उनका मन किया कि पेपर का ट्रेंड चेंज करके उसको एनवीएस जैसा बनाने का मन किया ई जैसे बनाने का मन किया वो हम कुछ नहीं कर सकते तो स्ट्रैटेजी क्या रहती है पढ़ना सब कुछ है बट उन्नीस बीस का जब अंतर आता है ना जहाँ फोकस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाना है तो उन चीजों पर बढ़ाओ जो रिसेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग है जैसे कि पढ़ेंगे हम सब कुछ लेकिन 2021 के जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे ठीक है ये स्ट्रैटेजी कोर्स हमेशा मदद करती है जेएसएससी में मदद की ई एम आर एस में मदद की डी ट्रिपल एस बी में पिछली बार स्टूडेंट्स को मदद की थी यूजीसी में मदद करती है आपको भी करेगी ओके okay? सो so, uh, इससे मुझे ध्यान आया कल मैं चार बजे इसी चैनल पर क्लास ले रही हूँ शेक्सपियर पे एक नज़र सब कवर जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स लाइन अप है मार्च में बिहार स्टेट बीपीएससी टीआरई एस सी थ्री पॉइंट ओ उसके बाद मे में जाके हमारा मे या उसके बाद कभी भी आपका ड्यूटल एस बी टी का एग्जाम हो सकता है इन सभी एग्जाम्स में शेक्सपियर से आप देख रहे हो मजोरिटी क्वेश्चन बन रहे हैं तो कल मैं एक ऐसी एक घंटे की क्लास लेने वाली हूँ शेक्सपियर पे शेक्सपियर एक नज़र सब कवर तो आप सब लोगों ने उस सेशन में आना है सेशन लग चुका है हमारे पेज पे चैनल पे आप लोग शेयर करो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अभी के अभी सब लोग जाके लाइक कर दो सेशन को बिकॉज बहुत ही मस्त बहुत ही फन इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है और uh, मैं उसकी uh, जो पी है वो हमारी वेबसाइट हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर शेयर भी कर दूंगी मेरी कम्युनिटी बनी हुई है ऐश्वर्यापुरी के नाम से टीचिंग सेक्शन में सो आप वहाँ जाके उस पी को फाइंड भी कर सकते हैं आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत रेलिवेंट रहेगा ठीक है सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क द बिगनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस शेक्सपियर की सक्सेस शुरू होती है उनकी फर्स्ट पब्लिकेशन वीनस एंड एडनिस से व्हिच वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1593 1594 में आती है उनकी दूसरी लॉन्ग नैरेटिव पोयम द रेप ऑफ लूक्रीस सो ये पब्लिकेशन ईयर भी आपको याद रखना है रेप ऑफ लूक्रीस 1594 वीनस एंड एडनिस 1593 दिस इज नोन टू बी हिज फर्स्ट नोन पब्लिकेशन क्लियर हाँ जी सो द सेशन ही आगे और भी क्वेश्चन हैं लिटरेचर से हमारे पास आप इस पेज को आगे शिफ्ट कर लेंगे सो so, यहाँ से वी हैव इवन मोर क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम वन फिफ्टी वन फिफ्टी से आगे और क्वेश्चन हमारे पास हैं वन सिक्सटी नाइन तक सो ट्वेंटी मोर क्वेश्चन आर देयर बट वी विल डू इट इन अनदर सेशन ओके ये आगे सारा आपका हाँ बस ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी क्वेश्चन और पढ़े उसको हम मंडे वाले सेशन में कर लेंगे आज की क्लास के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे एंड uh, आपने नॉन ब्रिटिश तो मे तक करने हैं पेपर पहले हो गया था तो वो सब रह जाएगा क्या करें नहीं मैंने आपका बात किया था बट आपने नॉन ब्रिटिश तो मे तक कराना है नॉन ब्रिटिश मे तक पेप आ, मेरा जो सिलेबस मैंने सेवेंटी आवर्स का डी ट्रिपल एस बी का बैच बनाया है और उसमें मैंने अप्रैल एंड तक उसको हम या मे मिड या अप्रैल एंड तक का वो सिलेबस जो हमारा पैटर्न वो पूरा उसमें बना है एंड क्या कहते हैं इसी बीच अगर पेपर हो जाता है तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके कर अपना सिलेबस पूरा करूँगी अगर पेपर की डेट जल्दी आ जाती है तो सिलेबस को टाइम पर पूरा करना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है ठीक है तो टेंशन मतलब इतनी जल्दी नहीं होगा मे मिड तक हम मान के चल रहे हैं कि होने की संभावनाएं बन जाएंगी उसके बाद ही होगा उससे पहले नहीं होगा आपका एग्जाम बिकॉज इसी बीच डी ट्रिपल एस बी ने और बहुत सारे एग्जाम्स लेने हैं उसके बाद फॉर्म फिलिंग आपकी शुरू करेंगे एडमिट कार्ड्स आएंगे सौ चीज़ें हैं तो अभी बहुत टाइम है हमारे पास आप टेंशन मत लो अभी आराम से पढ़ाई पे फोकस करो अपना ठीक है सो टुमारो दैट इज सैटरडे फॉर पी एम शेक्सपियर पे मैं एक मेगा क्लास ले रही हूँ ऐसी क्लास लूंगी कि वो एक क्लास लेने के बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको शेक्सपियर एक नजर सब कवर ठीक है ऐसी वाली क्लास लूंगी उसके बाद उसका पीडीएफ आपके साथ शेयर भी कर दूंगी अपनी कम्युनिटी में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ऐप डाउनलोड करो वहां पे मेरी कम्युनिटी पे वो पीडीएफ भी कल आपके साथ शेयर कर दूंगी तो फटाफट से जाके अभी के अभी इसी चैनल पे सेशन को लाइक कर दो शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा लोकल उस सेशन में जुड़ने चाहिए ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच एवरीबॉडी हैव अ वेरी गुड डे आल्सो मैं डी ट्रिपल एस बी के बैच में एम फर्स्ट अपना टॉपिक फिगर्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करवा चुकी ठीक है वो कंप्लीट करवाने का मतलब है आज एक उसकी क्लास बची आज मैं उसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रही हूँ बच्चों को सो एवरी डे दैट यूर नॉट कमिंग टू द बैच इज अ डे बीज वेस्टेड सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू जॉइन द बैच सभी बैचेस हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन पर लाइव है आपको ऑर्डर ट्वेंटी फोर सेवन के ऐप में जाके डी ट्रिपल एस बी पे सिलेक्ट कर लेना है नंबर वन पे आपको क्योंकि हम नंबर वन पे रहते हैं हमेशा सिलेक्शन में से, तो टी जी टी इंग्लिश का मेरा बैच नंबर वन पे दिख जाएगा ये बैच दस हज़ार रुपये का है बट आप ये कूपन कोड लगा लेना डिस्काउंट का वाई फाइव फोर टू उसके बाद ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ बाईस बाईस सौ का दिख रहा है ऐप वेबसाइट पर ऐप पर इक्कीस सौ रुपये कुछ का पड़ेगा ठीक है चलिए Thank you so much, everybody. Have a very good day. Take care. Bye-bye.